Sir, may I come in? Yes, please. Good afternoon, sir. Please, I will. Thank you, sir. Raj Singh. Yes, sir. Token, sir, for release. Thank you, sir. Raj Singh जी. Yes, sir. बीटेक बैकग्राउंड रहा है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में. Yes, sir. कुछ बताएंगे किस ट्रेड से था? सर, मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया था कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से. जैसे अभी हाल के दिनों में एक सैटेलाइट बड़ा फेमस हो रहा है या उसके बारे में चर्चा आई रही है, निसार सैटेलाइट. यस सर. कम्युनिकेशन के लिए या किस चीज़ के लिए क्या बता सकते हैं कि निसार सैटेलाइट है क्या और उसके लिए? सर, ये इसरो के साथ अभी लॉन्च किया गया है. सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, पढ़ा है. कोई नहीं, हो सकता है अभी नासा के साथ हमने मिल करके कुछ सैटेलाइट. हाँ, ये सही. नासा और इसरो का ये टाई अप प्रोजेक्ट है. नासा और इसरो मिल करके ये सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं. उसके नहीं, सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे. अच्छा, अभी सेमीकंडक्टर के लिए बड़ा मारामारी से हो रही है और भारत भी चाह रहा है कि इसका हब बनाया जाए अपने यहाँ. इसका मतलब क्या होगा सर? सेमीकंडक्टर का जो है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है. अभी असेंबली लाइन प्लांट ही हैं जो मोस्टली, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चर हम लोग कहते हैं, वो असेंबली लाइन पे कहते हैं कि कंपोनेंट आते हैं, उनका असेंबलिंग किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया अभी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है. और रिसेंटली हम लोग यूएस के साथ एक अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसमें कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन पे बात की जा रही है, जिसमें कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे क्या डिमांड है, कहाँ कितना उसका प्रोडक्शन है, और उसका मैपिंग और असेसमेंट करेंगे. सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या है सर? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बेसिक कंपोनेंट होता है. जो भी सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सेमीकंडक्टर पे ही वो बनाए जाते हैं. उस पर ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह लगा करके वो इलेक्ट्रॉनिक क्या करता है. जैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक में क्या करता है वो जाकर? सर, जो भी चिप बनती है उसका बेस मटेरियल सेमीकंडक्टर पे बनता है. ओके, जैसे बात किया जाए सेमीकंडक्टर की, तो अभी आपने एक चैट जीपीटी वाला एक देखा होगा, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आधार बना करके इसको लॉन्च किया गया है. क्या है बेसिकली सर? चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. वो पहले से जितना भी डाटा पूरा वो इंटरनेट से थ्रू वो एज अ इनपुट लेता है और यूजर उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसी डाटा से जो अलग अलग जगहों से एक्वायर किया है उसी से वो अपना आंसर प्रोसेस करके देता है, जो कि डाटा भी 2021 तक का अपडेटेड है. तो वो एक मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना देने की तरफ कोशिश करता है, बट वो 100% एक्यूरेट कई बार नहीं होता है. गूगल इसके लिए क्या कर रही है? गूगल भी तो कोई अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर रही है एआई बेस्ड. यस सर, वो बार्ड नाम से इसके, क्योंकि ये चैलेंज एक गूगल के लिए रहा है. नॉर्मल गूगल पे हम लोग जो रिजल्ट पाते थे उसमें डायरेक्ट इस तरह का प्रोसेस्ड आंसर नहीं मिलता था. तो ये जो ओपन एआई कंपनी है ये माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है. माइक्रोसॉफ्ट उसमें बैकिंग कर रहा है, फंडिंग कर रहा है $10 बिलियन की. तो उसके रिप्लाई में गूगल ने बार्ड नाम से अपना एआई बेस्ड और ये लॉन्च किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रशासनिक अधिकारी के लिए कोई काम है या मानव ही जो नेचर है उसी के आधार पर निर्णय लेना ठीक रहेगा? सर, जो जैसे डाटा बहुत सारा लार्ज स्केल में है उसको प्रोसेसिंग करके, मतलब आर्टिफिशियल का ये इंटेलिजेंस का ही कंपोनेंट है मशीन लर्निंग. तो बहुत सारे डाटा जैसे हेल्थ सेक्टर में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि पूरे इंडिया का, जैसे हम लोग अभी आभा आईडी कार्ड जो बना रखे हैं तो किस एरिया में कौन सा हेल्थ इशू है, ये हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो मशीन लर्निंग उसका यूज़ किया जा सकता है. जहाँ तक उसका पॉजिटिव यूज रहे तो वो बहुत सारे पॉजिटिव यूज रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी और गवर्नमेंट के लिए. जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर जो बहुत सारी बातें बच्चे नहीं सीख पाते, भले क्लास बढ़ता चला जाए, उसमें एज ए प्रशासनिक अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप कैसे सुधार कर पाएंगे? सर, जैसे अभी क्वांटिटी वहाँ अचीव हो गई, क्वालिटी पे हम लोग बात करते रहते हैं. तो एसआर करके रिपोर्ट एक आती है, एएससीआर वाली एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. तो उसके बेसिस पे हम लोग वो डाटा पूरे इंडिया का लेवल पे वो यूज़ कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं उसमें. सर, तो डाटा दे दिया ना. हाँ, कि आपको बता दिया कि भाई आपके 8वीं क्लास के बच्चे को दूसरे क्लास की बुक नहीं पढ़ सकता है. वो डाटा सर यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पैटर्न निकाल सकते हैं उस कि कौन से एरिया में, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में बच्चे लैग कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लैकिंग है, कहाँ पे रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, इंग्लिश पे नहीं हो रहा है. तो एक उसका वो पैटर्न डेराइव करके एरिया स्पेसिफिक सोल्यूशन पे काम कर सकते हैं उससे. ओके, अभी एक वायरस भी चर्चा में रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस. यस सर. वह क्या है? S3N2 नाम का ये वायरस अभी आया है. इसमें भी जो सिम्टम्स हैं नॉर्मल फीवर, कफ, स्नीज यही हैं। और इसमें भी वही बोला गया कि आप मास्क पहन के इससे अपना। कोविड से कैसे अंतर है, कोविड से कैसे डिफरेंस करेंगे? सर ये कोरोना वायरस से लिंक नहीं है, ये नॉर्मल पहले भी जैसे H5N9 आया था उस तरह का ये फ्लू वायरस है, ये उस फैमिली का, कोरोना वाले फैमिली से अलग है। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है? यस सर। ज्योग्राफी क्या है अगर आपसे दो लाइन में पूछे तो? सर ज्योग्राफी सर पूरा ही जो एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट और ह्यूमन का रिलेशन पढ़ते हैं, उसमें स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ह्यूमन रिलेशनशिप। एनवायरनमेंट में सारा सब कुछ, फिजियोग्राफी से लेके क्लाइमेट, ओशनोग्राफी सब कुछ पढ़ते हैं। और उस पर क्या, हाउ मतलब डेमोग्राफी कैसे लिंक्ड है, कल्चर, सेटलमेंट पैटर्न से लेकर के कि कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन किसको डिसाइड करता है, वहाँ का पैटर्न सिस्टम को डिसाइड करता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। डेविस के बारे में सुना है? यस सर। क्या है डेविस, कौन थे डेविस, क्या इनका योगदान है ज्योग्राफी में? सर इनकी इरोजन साइकिल, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन पे इन्होंने थ्योरी दी थी कि जैसे रिवर फ्लो करता है तो वो अपना किस स्टेज में किस तरह का वो उस पर अपना ज़मीन पे जैसे वो करता है, इरोजन किस तरह का करता है, यंग, मैच्योर, ओल्ड स्टेज में, साइकिल ऑफ इरोजन पर उन्होंने थ्योरी दी थी। जिसकी थ्योरी का उन्होंने अपोज करके अपनी थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी थी जिसका उन्होंने विरोध किया था? सॉरी सर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे। पैंक कौन थे ये? डेविस पंक का कोई संबंध था क्या? सर पैंग की भी एक इरोजन की साइकिल वो थ्योरी थी, बट सर अभी सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। सही है। मानव भूगोल क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी? सर ह्यूमन ज्योग्राफी में सर हम लोग जो भी डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें डेमोग्राफी के जो पैटर्न्स होते हैं कहाँ पे किस बेस पे है, और फिर हम सेटलमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो एक डिबेट चलती है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की कि मैन लीड करता है एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट लीड करता है मैन को, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट को ही पढ़ते हैं? सर ये दोनों ही पढ़ते हैं सर, कि मतलब वो तो एक पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो एक डिबेट चलती रहती है उसमें वो वाला एक टॉपिक है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और बाकी मेनली फोकस होता है ह्यूमन पे। यूपी की जलवायु के बारे में बताइए। सर कितने भागों में उसको बांटा गया है? सर कोपेंस में ये CWA इसे कैटेगराइज किया गया है, CWA, और सब पार्ट सर अभी सॉरी याद नहीं है। भूगोल का प्रशासन में क्या योगदान? सर भूगोल ज्योग्राफी को एज अ हम मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं डिजास्टर के टाइम में, कि मैपिंग करते हैं एरिया जोन की कौन सा रीजन किस डिजास्टर से इम्पैक्ट होने के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है, ड्राउट, फ्लड या अर्थक्वेक वाला। फिर सर इन्वायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए काम कर सकते हैं। लैंडस्केप का स्टडी करके उस पर मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में बेटर तरीके से जो जैसे अभी आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सर हर तरह से उसका मल्टी डायमेंशनल यूज हो सकता है ज्योग्राफी के एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने एवरग्रीन रेवोल्यूशन बताया। यस सर। इसके पहले हमने 60 के दशक में सुना था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो दोनों में अंतर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन? सर ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s में आया था उस पर हम लोग प्रोडक्टिविटी पे ही फोकस किए थे कि अधिक से अधिक हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जिसके लिए हम लोग केमिकल, फर्टिलाइजर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात किए थे। ओवर यूज ऑफ इरीगेशन, जो एरिया इकोलॉजिकली सपोर्टेड नहीं भी है राइस के लिए, वाटर इंटेंसिव है, वहाँ पे भी कर रहे थे क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे थे। उस समय से प्रोडक्टिविटी हमारा टारगेट था, बट उससे कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट मिले हैं उस एरिया में। तो अब हम लोग एवरग्रीन इस पर एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और एग्रो इकोलॉजिकली जो सस्टेनेबल वीट जो भी क्रॉप है वो उस एरिया में ग्रो करें, जो कि इन्वायरमेंट को ना और ना ही सॉयल को इम्पैक्ट करे लॉन्ग टर्म में। यूपी सरकार ने क्या किया एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अभी हाल ही में? सर सॉरी सर पर्टिकुलर स्कीम तो नहीं याद है। यूपी सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी आपको पता है क्या? सर अभी हाल में चर्चा हुई थी बहुत, सीएम ने साहब ने भी स्टेटमेंट्स दिए थे उसके बारे में। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए यूपी की एनवायरमेंट पॉलिसी बता दीजिए अभी जो पिछले महीने ही लॉन्च हुई है, कुछ एक दो पॉइंट। सर एक पॉइंट इन्वायरमेंट रिलेटेड ये है जो अभी बजट में पड़े थे कि अभी जो यूपी में फॉरेस्ट कवर है 9.23% है, तो हमने टारगेट किया है कि 2030 तक उसे बढ़ा के 15% करना है फॉरेस्ट कवर को। ये वाला ही पॉइंट अभी रिकॉल कर पा रहे हैं सर। यूपी में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं बार बार? सर मेन तो ये एक फ्लड वाला रहता है आप ईस्टर्न यूपी में, और राप्ती रिवर जो गोरखपुर एरिया में उसका फ्लड आया हुआ है, और ये बुंदेलखंड एरिया में ड्राउट की समस्या रहती है, सूखा पड़ने वाला, और हीट वेव भी अब एक आपदा के तौर पे देखते हैं जो कि टेम्परेचर नॉर्मल से 5 डिग्री ऊपर होता है, हीट वेव का रहता है, मेन यही आते हैं। ये युद्ध आजकल बहुत चर्चा में है, चाइना ताइवान रशिया यूक्रेन, ठीक है ना, चला है, तो क्या युद्ध जो है राजनीति का करने का एक जरिया बन चुका है क्या, क्या कहते हैं आप? सब जगह हर कंट्री एक दूसरे को युद्ध की धमकी दे रहा है, सीरिया में चल रहा है, इधर हर जगह युद्ध करेंगे, तो क्या है ये युद्ध? सर ये होना चाहिए इस टाइम नहीं सर, वॉर तो कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल लॉसेज होते हैं उस कंट्री को ही, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को भी होते हैं। और जो भी दो कंट्री का होता है उसमें या तो बाउंड्री इशू के लिए होता है, या फिर उनका कोई दूसरा परसेप्शनल थ्रेट होता है, जैसे यूक्रेन और रसिया का जो भी चल रहा है, तो उनको रसिया को ये थ्रेट था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेंगे तो उनके बॉर्डर पर जस्ट नाटो फोर्सेज आ सकती हैं। और इसी तरह दूसरे भी टेरिटोरियल इश्यूज़ की वजह से चाइना का साउथ चाइना सी ओशन में जो वो चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट, तो बाउंड्री इशू एरिया कवरेज के लिए ही रहता है मोस्टली। तो क्या ये राजनीति करने का जरिया, ये हर कंट्री का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है युद्ध में सर? इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कई बार उसका यूज़ करती है एक नेशनलिज्म जगाने के लिए, कि लोगों को लगे कि हाँ अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बहुत पावरफुल है और इन्हीं के अंडर में हम लोग सुरक्षित हैं, ये फील कराने के लिए भी कभी कभार इसका यूज होता है, एक अपने कंट्री के अंदर वो प्रो नेशनलिज्म होने के लिए सिटीजन को। चलिए लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए ज्योग्राफी से, यूपी को कितने ज्योग्राफिकल पार्ट में बांटा गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, नॉर्मल रीजन ऐसे 4 पार्ट में जो किए हुए हैं सर, बट वेस्टर्न और ये वेस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड और एक अवध रीजन वाला और ईस्टर्न यूपी। बघेलखंड नहीं सुना है क्या आपने? ये सर बघेलखंड भी है, वो मिर्जापुर एरिया वाला सर, उसके आसपास आता है क्या? नहीं सर उसके आसपास का एरिया है जो रीवा के एडजेसेंट है, एग्जैक्टली रीजन सर याद नहीं अभी। थैंक यू सर। आपने पोस्ट प्रीफेंस में क्या क्या डाला है सर? पहले नंबर पे डिप्टी कलेक्टर डाला है, दूसरे पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और तीसरे पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1। एसडीएम और उप जिलाधिकारी में क्या अंतर है सर? एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में सर इनके पास ये मजिस्ट्रियल पावर होती है अंडर सीआरपीसी, और जो उप जिलाधिकारी रहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, मतलब एज वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठ के और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। ये वाली एसडीएम वाली पावर मजिस्ट्रियल भी इसमें इंक्लूड होती है, और साथ ही साथ वो भी रहती हैं। यूपी में एक हेरिटेज आर्क है सर, कौन कौन से जिले आते हैं उसमें सर? इसमें आगरा है, और आगरा, अयोध्या है, बनारस सर एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट्स नहीं याद है, आगरा बनारस ये अयोध्या 2-3 ये हैं। लखनऊ स्थापत्य की कोई कुछ विशेषताएं बता सकते हैं आप? लखनऊ के स्थापत्य इस्टेब्लिशमेंट की सॉरी सर नहीं याद है अभी। अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। अच्छा, तो उसमें जो बजट आया था वो कितना था लगभग सर? 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, प्रपोजल। तो उसको आप धरातल पर उतारने के लिए क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे सर? उसमें ये रहेगा जो भी कंपनियां आ रही हैं उन्हें एक आसान तरीके से अपना, जैसे उन्हें लैंड एक्वायर करना है जिस जगह पे भी, तो वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के क्लियरेंस के सिस्टम के थ्रू, जैसे हमारे पास यूपी में निवेश पोर्टल है, उसके थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस में आपको ज़मीन आसानी से मिल जाए, लैंड एक्विजिशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, और इवन कई जगह हम लोग सब्सिडाइज इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो इस तरह के सारी उनकी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे कि जितने जल्दी हो सके वो अपना काम चालू करें, और क्योंकि उससे बेनिफिट यूपी को ही होना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और डेवलपमेंट होगा रीजन में, तो यही सारी चीज़ें करेंगे। हाल फिलहाल में पंजाब बहुत चर्चा में रहा है सर, क्या कारण है सर? पंजाब का एक तो अभी दोबारा से प्रो खालिस्तान वाला जो मूवमेंट था वो न्यूज़ में आया था, जो अभी रिसेंट वाला था, बाकी एक गवर्नमेंट तो चेंज हुई है। प्रो खालिस्तान मूवमेंट में वहाँ पे एक सर नाम नहीं याद है, वो सर दुबई से वापस आए थे, तो उन्होंने जाके थाने से अपने कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन के ही थे, उनको फोर्सफुली तरीके से, गलत तरीके से वहाँ से फोर्सफुली ले करके वापस चले गए थे, इस वजह से न्यूज़ में था। क्या कारण रहे हैं इसके, जो मतलब इस तरह से दोबारा ये मूवमेंट सर उठा रहा है? सर 1980s में ये प्रो खलिस्तान मूवमेंट काफ़ी पीक पे था, बट वहाँ की जनता इससे काफ़ी दुखी हुई थी कि मतलब क्योंकि जब भी वायलेंस बढ़ता है तो जब से अधिक इम्पैक्ट आम आदमी पे होता है, क्योंकि जो बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ये कई बार बाहर बैठ के ये लोग मूवमेंट अपना वो भी प्लानिंग कर रहे होते, तो और जब भी वायलेंस होता तो वो आम जनता तो अभी, लेकिन वो लास्ट 2 डिकेड में वो कम हो गया था। लेकिन दीप संधू करके अभी उन्होंने दोबारा से, उनका शायद मृत्यु भी हो गई थी एक्सीडेंट में, तो वो 2020 या 21 में ये वाला मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश किए थे और एक संस्था दोबारा से वो इस्टेब्लिश किए थे जिसका कि मोटिव वही प्रो खलिस्तान वाला, तो संस्था का नाम सर अभी याद नहीं आ रहा, तो उन्हीं के सपोर्टर थे अभी जो दोबारा से ये उनके सपोर्टर आए थे इंडिया में कि प्रो खलिस्तान वो अपना अलग एक देश का मांग कर रहे हैं। नहीं, इसके बढ़ने के क्या कारण है? सर युवा जो नए इसमें दोबारा से जुड़ रहे हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट तो रीजन रहता ही है, मतलब वहाँ पे बेरोजगार युवा हैं और उन्हें इस तरह का गन कल्चर भी अब यहाँ पे पंजाब में बहुत ज़्यादा है, ड्रग मेनेंस भी बहुत बड़ा एक इशू है, तो अनएम्प्लॉयड जो युवा हैं वो इन सब चीज़ों में आसानी से मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन कई बार वहाँ पे रोक भी लगाई गई है इस तरह जैसे गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों वानों पर, तो अनएम्प्लॉयड यूथ एक बहुत बड़ा रीजन है वहाँ पे इसमें जुड़ने का। अगर आप एसडीएम होते तो अजनाला की घटना को रोकने के लिए क्या करते हैं आप? सर उसमें जब पुलिस ने अरेस्ट किया था तो पुलिस के पास एक प्रॉपर एक वो रहना चाहिए था कि क्या बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं, और इन केस अगर ऐसा होता तो उन्हें और फोर्सेस यूज़ करके इस तरह से, अगर बाद में क्योंकि पुलिस ने भी ये बोला कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया, तो इसलिए छोड़ दिया और फिर कोई कार्रवाई नहीं की वो लोग। हालांकि बाद में ये बोला गया कि ये प्रेशर में आ गए थे, बट उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से अच्छे इंटेलिजेंस से सारी चीज़ें खबर इकट्ठा करके तब कार्रवाई करते और फोर्स और बढ़ाते। चलिए आप एक और बताइए कि अभी वर्तमान में भारत और तालिबान के बीच में दोबारा से बात करने का जो चर्चा में रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि भारत अपने जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनसे पीछे हट रहा है? सर भारत ने ऑफिशियली मतलब उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, ना ही उनके अगेंस्ट गए हैं, और भारत का अभी जब पिछली वहाँ सरकार चल रही थी तो रिलेशनशिप काफ़ी सुधार हुई थी, क्योंकि हमारे लिए तालिबान बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसका, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होता है, और इंडिया ने काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट भी किया था, वहाँ की पार्लियामेंट बनाने में, सालमा डैम बनाने में, रोड बनाने में, तो अब वो जो बनाया हुआ एक अच्छा रिलेशनशिप है वो भारत चाह रहा है कि वो कंटिन्यू रहे, और वो इंटरनल वहाँ का जो भी मामला है कि वो गवर्नमेंट रिप्लेस किए उस पर इंटरफेयर नहीं करते हुए भारत अपना अभी भी वीड भेजने का जो कार्यक्रम था उसको कंटिन्यू रखा है और रिलेशन अच्छे बना के रखा है। G20 समिट होने वाला है इसमें, कहाँ का होगा? सर इसका मेन तो होस्ट दिल्ली में रहेगा, 9-10 सितंबर को होना है, और यूपी के भी 4 सिटी को वो किया गया है जहाँ पे मीटिंग होनी है। एक तो लखनऊ में ही होनी है, दूसरा आगरा है, एक बनारस है, और सर नोएडा है शायद, अनुमान हम लगा रहे हैं। क्या लाभ हो सकते हैं इससे इंडिया को? सर G20 में भी सर ये एक फोरम है, इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो भारत ने बहुत अच्छा इसमें ये काम किया है कि उनको इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाने के लिए लगभग 200 मीटिंग 50 अलग अलग शहरों में वो ऑर्गेनाइज करने का वो निर्णय लिया है। तो उसमें अगर वो यूपी में आकर के वो कंट्री के लोग भी देखेंगे आगरा वगैरह में, तो उनको कुछ ऐसा पोटेंशियल लगता है। एक तो टूरिज्म बढ़ेगा जो इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कई सारे डिग्नेटरी आएंगे उनके साथ, डेलीगेट्स ऑफिशियल्स आते हैं। दूसरा आगे उनका सिटी टू सिटी कांटेक्ट भी बढ़ सकता है, जैसे संघाई कोऑपरेशन में हम लोगों ने बनारस को कल्चरल सिटी का वो दर्जा दिया है, तो G20 की भी कंट्रीज़ के साथ हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ा सकते हैं वो एक बेनिफिट हो जाएगा, फ्यूचर पोटेंशियल रहेगा वो जब कल्चर जानेंगे यूपी का। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि आपको HDM बनाया जाए? सर हम डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और काम अपना ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ करते हैं। कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से नहीं बनाया जाए आपको, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आपको नहीं दिया जाना चाहिए? सर कई बार हम जिस हिसाब से अपना टीम वर्क में पूरा एफर्ट देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि साथ वाला भी उतना ही एफर्ट दे, तो उसमें वो अगर कई बार होता है लोगों की आदत होती है कि डेडलाइन में लास्ट डे पे ही कोशिश करते हैं, बट हमारी ये कोशिश होती है कि डेडलाइन का लास्ट डे मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले ही कंप्लीट कर देना चाहिए काम, तो एक एक्सपेक्टेशन टीम से भी ज़्यादा रहती है। और बाकी तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि पढ़ाई के अतिरिक्त आप क्या करते हैं? सर इसमें सर ये देखते हैं काफ़ी कि ऑनलाइन जो ट्रेवल ब्लॉग्स वगैरह रहते हैं, और टाइम मिलने पे ट्रेवलिंग भी कर लेते हैं। अगर मेंस के बाद जैसे टाइम मिला था तो गए हुए थे, और ट्रेवल ब्लॉग देखना अच्छा लगता है। कहाँ पर गए थे? सर हिमाचल गए थे, अटल टनल देखने के लिए मेनली गए थे। कि वो अटल टनल, यस सर, उसकी क्या महत्ता है अटल टनल की? सर अटल टनल रोहतांग पास के अंडर उसमें बनाया गया है 9.02 किलोमीटर का है। वो बहुत ही आर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जा सकता है, क्योंकि लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट था वो 6 महीने के लिए पूरा कट ऑफ हो जाता था, क्योंकि रोहतांग पास में नवंबर से बर्फ़ गिरती थी और अप्रैल तक वो पूरा डिस्कनेक्टेड रहता था। अब इससे बन जाने से वो जुड़ गया है और आगे पे हम लोग वो पूरा मनाली से लेह तक के लिए ऑल वेदर ऑल टाइम कनेक्टिविटी कर लेंगे, जो कि आगे टूरिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा और वहाँ की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। इसका मतलब पर्यावरण का तो विनाश ही हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा टूरिज्म हमारा बढ़ता है। तो जो अभी लाहौल स्पीति का क्षेत्र है जहाँ की आप बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं देखते हैं, वहाँ तो फिर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ेगा। सर उसके लिए भी वहाँ पे पर डे की लिमिटेशन रखी गई है कि लगभग 4000 गाड़ियाँ ही उस टनल से पास होंगी और एक पास का पर डे का सिस्टम रहता है कि इतनी ही व्हीकल रहेंगे। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सस्टेनेबल तरीके से वो डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक लोकेशन है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट ये सब आपके वहाँ पर प्लास्टिक वगैरह बैन कर रखे हैं कि लोग ना यूज़ करें कुछ भी। लोगों को थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ वहाँ पे इन्वायरमेंट को नेगेटिवली ना इम्पैक्ट करें। तो बहुत ज़्यादा पर्यटकों का दबाव होता है, आप SDM हैं वहाँ के, तो आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ की जो आजीविका है वो वर्चुअली पर्यटन पर ही डिपेंडेंट है। यस सर। पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है। यस सर। जो आपने वकील का एक लगाया हुआ है कि आपको 4000 ही जाना है। यस सर। और पर्यटक 8000 आते हैं, तो क्या उसको हिमाचल प्रदेश से आप वापस कर देंगे? कैसे मैनेज करेंगे इसको? सर अभी ये 29 दिसंबर के लगभग न्यू ईयर पे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो फिर वो नेक्स्ट डे बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों का वो एक टाइम पीरियड रहता है। उसमें कोशिश यही किया जाएगा कि लोगों को ये जागरूकता फैलाई जाए, ऑनलाइन बुकिंग का प्रोविज़न दे दें कि जैसे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ना आए, वो पहले से ही अपना ऑनलाइन बुकिंग करें। ऑनलाइन बुकिंग का है बट वो कई बार होता है सैटरडे संडे लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ उन्हें रोका जाए तो वो बिना देखे वापस आएँ तो भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इकोनॉमी जो वहाँ की है डिपेंडेंट है टूरिज्म पर ही। तो उसके लिए यही कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके अपना टाइम शेड्यूल करें और थ्रू द ईयर जाएं, वीकेंड पे थोड़ा कम करके वीकडेज में यूज़ करें जाना। ठीक है राज सिंह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं करें बैठिए बैठिए, हो गया इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एजुकेशन में AI का यूज़ तो हम कर सकते हैं ना तरीके से, कैसे? सर बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये जैसे बेसिक शिक्षा वाले बताए थे कि वो जो डाटा है उसका पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। डाटा नहीं, प्रैक्टिकल बताइए आप। जैसे कि अभी यूपी सरकार ने जो टीचर्स नहीं आते थे उनका ऑनलाइन अटेंडेंस वाला लगा दिया। हाँ, स्कूल के परिसर में नहीं, और भी क्या ना, जैसे कि आप ऐप बना दिया और वो ऐप तभी काम करेगा जब स्कूल के परिसर में आप जाते हैं। सर वो लोकेशन बेस्ड स्टैंपिंग वाला, क्योंकि इवन ये थंब इम्प्रेशन में तो कह देंगे कि लाइट नहीं आ रही है, वो जो भी सिस्टम का बंद है वो थंब इम्प्रेशन पोर्टल पे कर सकते हैं और उसको भी AI से मॉनिटर किया जा सकता है। शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी, तो आप इसको बता सकते हैं कि जैसे छात्रों का हम मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो उचित नहीं होते। और आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि आप वहाँ पर जा करके कुछ करने लगेंगे। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको एक ही क्लासरूम में हो सकता है कि 4 क्लास के बच्चों को पढ़ाना पड़े, फिर आप कैसे करेंगे? कैसे एक ही टीचर है 4 क्लास को पढ़ाना है? वहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे इक्विपमेंट को जारी कर सकते हैं। वो आपके फंड में है कि आप बच्चों को हम टैबलेट देते, लैपटॉप देते, सरकार की ही पॉलिसी है, उसमें हम वैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ताकि वो उसके साथ कंफर्ट करें। अगर मैंने कुछ दिया प्रैक्टिस करने के लिए तो वो प्रैक्टिस करता रहे, फिर हम आकर के चेक कर लें। एज SDM आप ऐसा लागू करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि टैबलेट हम दे रहे हैं उसको, हम घर में ले जा करके दूसरे बच्चे को खेल रहे हैं। यस सर। वो आपका काम है ना कि आप उसको अच्छे से करें। यस सर। बाकी तो मुझे लगता है कि सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। सेमीकंडक्टर वाला भी ठीक था, कोई परेशानी नहीं है। और एक जो भी तालिबान वाला मुद्दा था इस पर आप ऐड कर सकते थे कि SAARC और का समिट होना था अफगानिस्तान में। यस सर। लेकिन चूंकि तालिबान को किसी ने मान्यता ही नहीं दी है, ऑब्वियस है कि फिर वो SAARC समिट टल गया और बांग्लादेश के पास आने वाला है। यस सर। ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है। और यस सर। दूसरा जो खालिस्तान मूवमेंट था उसको पॉइंट टू पॉइंट बताइए कि पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उसकी सह मिल रही है और कहीं ना कहीं जो सरकार है या राजनीतिक अनिच्छा रहा है उसको दबाने में। ठीक है। तीसरा ये है कि जो फंडिंग है बाहर से विदेशों से मिल रही है, कनाडा वगैरह, कनाडा से आ रही है। हाँ। और बस यही है कि ये सर हम कवर नहीं करते हैं। जो होता है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान मांग होना चाहिए नियम से। अगर ये विघटनकारी तत्व नहीं होते तो खालिस्तान की मांग तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब का बड़ा भाग तो पाकिस्तान में, वहाँ भी हो रहा है। भारत में आप केवल खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये कम्प्लीट डिस्ट्रॉइंग नेचर का है, इसका कोई लेना देना किसी देश से नहीं है। यह एक आतंकवादी संस्था जैसी होती है। देखिए मांग अगर होता तो दोनों देश में होना चाहिए, वहाँ तो आप करते नहीं है। भारत में जो कि थोड़ा सा ही क्षेत्र बचा हुआ है पाकिस्तान पंजाब का, वहाँ आप मांग करते हैं। इवन डीजीपी भी वहाँ बोले थे कि बहुत छोटी सी जनता है, मतलब जो कि इसका डिमांड कर रही पॉपुलेशन उनके नंबर्स का। जैसे आपने G20 समिट का जो क्या लाभ हो सकते हैं भारत को, तो उसको पॉइंट बता दीजिए कि ब्रांड इंडिया की छवि चमकेगी, सॉफ्ट पावर वो होगा, ठीक है भारत विकास। आज मैंने नहीं लिया वहाँ पर क्वेश्चन, जहाँ की मुझे याद आ गया, पहले भी आप थे श्रम आपके, हाँ मुझे याद था कि चूँकि आपने इन्होंने 2 बार इंटरव्यू भी यूपीएससी का ऑलरेडी दिया। यस सर, यस सर। बीच में इन्होंने चूँकि एक जिद होती है कि करेंगे तो यही करेंगे, इस वजह से इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे पता था इसके बारे में, मैंने उसको जानबूझ करके नहीं लिया क्योंकि पहले भी इस पर बात हो चुकी थी। और दूसरा है कि जब तक वो परिप्रेक्ष्य बनता नहीं है तो ये क्वेश्चन उठेगा भी नहीं। हाँ अगर वो गैप ईयर पूछेंगे तो फिर अभी जा करके वो बनेगा क्वेश्चन। तो मैं आशा कर रहा था कि शायद जिस रफ्तार से क्वेश्चन जा रहा है या जिस दिशा में जा रहा है शायद उधर जाने का मौका ना मिले। हाँ एक इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड हो सकता है तो उस पर मैंने कुछ डालने की कोशिश की है। अगर वो जाता है तो आप पिछली बार भी आपने अच्छा ही टैकल किया था, कोई परेशानी नहीं थी। तो ज्योग्राफी के बारे में, हाँ एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी के बारे में, एनवायरनमेंट वाला इशू आपसे यूपी का जलवायु बताइए, यूपी का कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है, आपने दोनों नहीं सही से बता पाए। हाँ सर ये पढ़ना पड़ेगा, ये स्टेट पे ज्योग्राफी का पूछना है उनको। हल्का सा एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, कुछ पर्यावरण से जोड़ करके, जैसे अभी गैब्रियल तूफान आया हुआ है, साइक्लोन आया, कहाँ आया है तो न्यूजीलैंड के आसपास आया हुआ। ये सब यूपी ज्योग्राफी जो पर्टिकुलर वो एक बार हल्का से, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी है। आप बढ़िया बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा मैच्योर्ड आपका वॉइस भी है और मैच्योर्ड आपका बॉडी एटीट्यूड भी है, कोई ऐसे परेशानी नहीं है। ईश्वर करे कि ऑल इज गुड लिखा हुआ है, ऐसा ही इस बार को। इस बार लिस्ट में डेट कब है सर? अब बस 16 को है, 14 को तो चले आएंगे यहाँ से। अभी तो हम कल से बंद ही कर दिए थे, फिर ये विकास सर का फोन आया कि नहीं यहाँ पे एक लास्ट दे लीजिए। नहीं तो हमारे पैनल नहीं, अब आप जो बचा खुचा है उसको अब देखना हो तो देख लीजिए। थोड़ा सा ये पर्टिकुलर जैसे यूपी का ज्योग्राफी और वो वाली चीज़ ये दोनों ही नहीं बताया आपने। एक और जो मुझे लगा कि शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए आपके बैकग्राउंड के आधार पर, कि जो आधार बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, आधार पर जो आजकल सिक्योर कम हो पा रहा है, सब लोग दुरुपयोग हो रहा है, कानून भी बने हुए हैं, वो सिक्योर करने चूँकि आपका फील्ड वही है तो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी होता है वो। हाँ वो सब क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है कि लोग उसको अभी जो आजकल लिंक आ रहा है ना, लिंक के थ्रू फ्रॉड हो रहा है। अगर हमने लिंक क्लिक किया तो पैसे वो बिना किसी कंसल्ट के पेमेंट हो जाता है, वो चीज़ वो बड़ा खतरनाक सा हो रहा है। क्योंकि RBI ने भी इस पर काफ़ी, और RBI या बैंक अब यह कर करके पल्ला झा रही है कि शायद ये जनता की दिक्कत है, जनता को उनको साक्षर करना। वो ये बस एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालते रहते हैं कि आप कोई भी OTP और क्लिक ना करें, बट वो कई बार वो पैनिक क्रिएट करके करा देते हैं। वो वे सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, जैसे 2 ऑथेंटिकेशन कम से कम होना चाहिए ताकि इनेबल ऐसा करे कि वो लिंक पेमेंट करते ही फिर वो। हाँ वो एक तरह से आसान भी करते जा रहे हैं कि इजीली आप पैसे ट्रांसफर कर लो UPI जैसा। शिक्षा भी तो शिक्षित भी तो है ना लोग। हाँ वो वही डिजिटल लिटरेसी आधार वाले पर भी आए। मुझे लगता है कि बाकी सभी क्वेश्चन आपका परफेक्ट है, कहीं कोई परेशानी है नहीं। ये परेशानी तो लगी रहती है, डिपेंड करता है कितना। अब जैसे सर ये पंजाब वाला इशू कवर नहीं किया था, हमें लगा कि यूपी में नहीं पूछेंगे, तो हम बस एक दिन वही पेपर ओवर मुद्दे थोड़ा ज्योग्राफी से संबंध, जैसे कि जोशीमठ है या तुर्की का जो ये वाला तो पड़े हुए हैं। जोशीमठ जैसे न्यूज मेरा उधर का, टर्की वाला अर्थक्वेक वगैरह भी कवर किए। ठीक है चलिए, ठीक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और श्योर है कि अब मुख्य परीक्षा पर डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट। इधर कोई दिक्कत नहीं है आपको सर? हम मेंस में ठीक हुआ है, मतलब अपने हिसाब से तो ठीक हुआ था। हिंदी उतना अच्छा नहीं हुआ था, हिंदी का, और बाकी GS1 में थोड़ा सा 1-2 जो रीजन वाले थे, जो होगा तो होगा। आप जाइए बिंदास होकर के, आप इतने अच्छे लोग हैं तो आप जाइए। आपसे वही एक बार आ जाए तो फिर वो कुछ 1-2 दिन में। कल ही आपको निकलना होगा? हाँ कल निकलना है कानपुर, फिर घर वहीं है, वहीं से इलाहाबाद वहीं चले। कानपुर वाला एक मुद्दा था जो नहीं कर पाए, कानपुर वाले में पुलिस कॉन्फ्रेंसी हुआ था ना, वो कानपुर देहात में जो हुआ था। हाँ। सर उन सब पे कैसा स्टैंड लेना चाहिए? जैसे उसमें आया तो था कि तो पूछा जाएगा ना प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप देखते हैं निहार सिंह राठौड़, हाँ। उसने गाना भी गाया कि कलेक्टर बड़ा रंगबाज बा, इस टाइप का। तो कलेक्टर बड़ा रंगबाज बा बात गाने की नहीं है, बात यह है कि कलेक्टर के जो आदेश दिए गए हैं उसके ऊपर लगाया जा रहा है कि उसने गलत आदेश दे दिया शायद। तो क्या वहाँ ह्यूमन हो सकता है कि आप सर्च अच्छा कर सकते थे कि कहीं झोपड़ी में कोई सोया तो नहीं रह गया बच्चा, कोई नहीं रह गया बच्चा। ये मैनुअल है, जब भी आप किसी को अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो आप वहाँ प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। एक तो जो भूमिहीन हैं उन या जो आवासीन हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे आप, ठीक है। दूसरा आप ये व्यवस्था करेंगे कि वहाँ कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण हटाते समय जो अतिक्रमण के जो पक्ष का जो व्यक्ति है वहाँ ना रहे, कोई दुर्घटना घटित हो। प्रॉपर आप प्रशासन जो सुरक्षा बल हैं वहाँ की उपस्थिति कराएंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था करा सकते हैं जिससे कि कोई घटना घटित हो तो तुरंत हम वो इमरजेंसी, ठीक। बट इसमें ये जलने वाला केस का क्योंकि तो अभी फिर वो जांच में डाल दिया ना, पुलिस की जरूरत थी ना, वो चीजें तोड़ना चालू किया और आग वाली क्योंकि वो चीजें फिर हो जाता ना कि जाँच में पता चलेगा आग कैसे लगने का हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन वो झोपड़ी में जाके छुप गई थे अपना झोपड़ी बचाने के लिए। हमें तो पुलिस है तो प्रॉपर सर्च करना चाहिए ना। पुलिस भी अति उत्साह का भी शिकार हो जाती है। आप जैसे इन्होंने कहा बहुत बढ़िया कि एम्बुलेंस की हम व्यवस्था कर सकते हैं या एक ऐसा प्रॉपर सेटअप कर देते हैं, प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए ताकि कुछ इमरजेंसी होती है तो भी हम उसको टैकल कर सकते हैं। वो भी नहीं बस की बात उसको किसी को आदेश देने आ जाएगा एम्बुलेंस। हाँ वो तो फिर एसडीएम और वो सारे वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। बेस्ट है, आपका कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।